नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हिना शेख आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। सीडब्ल्यूआरसी के निर्देश पर कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने जताई असमर्थता, कहा तमिलनाडु को नहीं दे पाएंगे पानी। ग्रामीण विकास और पंचायत राज मंत्री प्रियांक खड़गे का दावा, बीजेपी ने कांग्रेस विधायकों को विशेष दिल्ली उड़ान का दिया आश्वासन। तेलंगाना के चुनावी रण में कांग्रेस ने झोंकी ताकत, प्रियंका गांधी की तेलंगाना में रैली। आज मराठा आरक्षण के समर्थन में भाजपा विधायक का इस्तीफा, हिंसा के बाद बीड में कर्फ्यू, इंटरनेट किया गया बैन। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एक भारत श्रेष्ठ भारत का प्रतीक सरदार पटेल के आज मंगलवार को जयंती के अवसर पर पीएम मोदी ने कही यह बात। भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की आज को पुण्यतिथि, आज ही के दिन उनके अंगरक्षकों ने गोली मारकर कर दी थी हत्या। अब समाचार विस्तार से। महामहिम हजरत सैयद पाशा हुसैनी कादरी चिश्ती बुखारी सज्जादा नसीन अस्ताना हुमनाबाद ने अपने बेटे सैयद जजलान हुसैनी कादरी चिश्ती बुखारी को कादिरिया चिश्ती या बुखारिया में बैत करवाया। इस अवसर पर हजरत सैयद मुर्तजा कादरी अलमारूफ संजर बाबा सज्जादा नसीन कादरी चमन गुलबर्गा मोहम्मद कादरी चमन गुलबर्गा मोहम्मद अब्दुल कयूम बंदा नवाजी गुलबर्गा सैयद शकील अहमद साबरी मोहम्मद एजाज अहमद शाह कादरी एजाजी सैयद मुस्तफा कादरी मोहम्मद मंसूर अहमद और अन्य खुल्फा मुरीदीन के अलावा उलमा व विद्वानों ने भाग लिया। उसके बाद दरगाह हजरत सैयद कुतुबुद्दीन हुसैनी कादरी चिश्ती बुखारी में फूलों की चादर चढ़ाई गई और फातिहा पढ़ी गई और तबरुकात वितरण किए गए। चिरगुप्पा के पत्रकार सैयद मुस्तफा कादरी ने केपी न्यूज के एडिटर व एंकर मुस्तफा आदिल को यह जानकारी दी। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने सीडब्ल्यूआरसी के निर्देश के अनुसार तमिलनाडु को पानी छोड़ने में राज्य की असमर्थता व्यक्त की है। उन्होंने बताया कि कावेरी में पर्याप्त पानी नहीं है। उनका यह बयान कावेरी जल विनियमन समिति सीडब्ल्यूआरसी द्वारा सोमवार को कर्नाटक को 15 दिनों के लिए नवंबर 1 से 2000 क्यूसेक पानी तमिलनाडु को देने के निर्देश के बाद आया। शिवकुमार, जिनके पास जल संशोधन विभाग है, उन्होंने कहा कि कृष्णा राजा सागर डैम में पर्याप्त पानी नहीं है जो पड़ोसी राज्य तमिलनाडु को दिया जाए। कर्नाटक के डिप्टी सीएम ने कहा केआर डैम में पानी शून्य के बराबर है, हमारे पास पानी छोड़ने की ताकत नहीं है। उन्होंने मीडिया को बताया कि केआरएस और केबिनी बांधों से तमिलनाडु में प्राकृतिक रूप से 815 क्यूसेक पानी बहता है। शिवकुमार ने आगे बताया कि 51 टीएमसी पानी ही कावेरी में बचा हुआ है, लेकिन तमिलनाडु को रोजाना 13,000 क्यूसेक पानी की जरूरत पड़ती है। कर्नाटक में लोकायुक्त पुलिस ने सोमवार को सरकारी कर्मचारियों की 60 से अधिक संपत्तियों पर छापेमारी की। इन पर ज्ञान स्ट्रोह से अधिक 38 करोड़ की संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। लोकायुक्त सूत्रों ने कहा कि उन्होंने पाया कि सरकारी अधिकारियों ने भारी मात्रा में नकदी सोना अचल संपत्ति लग्जरी वाहन जमीन में निवेश स्टॉक और महंगे गैजेट जमा किए थे। एक वरिष्ठ लोकायुक्त अधिकारी ने कहा कि लोकायुक्त पुलिस की कई टीमों ने क्षेत्राधिकार पुलिस की सहायता से सुबह सुबह छापेमारी की। पुलिस महानिरीक्षक लोकायुक्त नियोज सुब्रमण्येश्वर ने कहा हमने पूरे कर्नाटक में लोक सेवकों के खिलाफ 17 मामले दर्ज किए हैं। बीजेपी पर टीका हमला बोलते हुए ग्रामीण विकास और पंचायत राज मंत्री प्रियांक खड़गे ने सोमवार को आरोप लगाया कि हताश राज्य बीजेपी नेताओं के एक वर्ग ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से शीर्ष पद के लिए 1,000 करोड़ रुपए की मांग की होगी। खड़गे ने यह बात मांड्या के कांग्रेस विधायक रवि कुमार गनीगा के उस आरोप के मद्देनजर कही। उसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि भाजपा की एक टीम ने कांग्रेस के 4 विधायकों से संपर्क किया है और उन्होंने भाजपा में जाने पर 50-50 करोड़ रुपए नकद और एक मंत्री पद की पेशकश की है। भाजपा की टीम लुभाने के लिए काम कर रही है।
भारत राष्ट्र समिति BRS के नेता के कविता ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में आगामी चुनाव के लिए पार्टी को लेकर एक बड़ी भविष्यवाणी की है। उन्होंने बताया कि समावेशी विकास का तेलंगाना मॉडल बहुत समृद्ध रहा है और यही आगामी चुनाव के लिए पार्टी का मुख्य मुद्दा होगा, जिसके साथ पार्टी चुनाव लड़ेगी और भारी बहुमत के साथ तीसरी बार भी सत्ता में आएगी। के कविता को तेलंगाना मॉडल पर व्याख्यान देने के लिए सोमवार को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में आमंत्रित किया गया था। इस दौरान उन्होंने साल 2014 में तेलंगाना के बनने के बाद से उनके पिता और राज्य के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव द्वारा शुरू की गई रणनीतियों, पहल और नीतियों की एक श्रृंखला को प्रस्तुत करते हुए विस्तार से बताया। यूनिवर्सिटी में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए BRS MLC ने कहा, तेलंगाना मॉडल एक समृद्ध मॉडल रहा है जिसे राज्य के लोगों को अपने जीवन स्तर को अगले स्तर पर ले जाने में बहुत मदद की है। तेलंगाना में बहुत गहराई तक समावेशी विकास हुआ है और इसी विकास को लेकर हम आगामी चुनाव लड़ेंगे। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवाल, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बिदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर MEd एंड BEd कॉलेज बिदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली एंड एफिलेटेड टू गुलबर्गा यूनिवर्सिटी गुलबर्गा। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2022-23। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर MEd एंड BEd कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर MEd एंड BEd कॉलेज, शाहपुर गेट बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482127। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवाल, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तेलंगाना में चुनाव प्रचार के लिए अन्य पार्टियों की तरह कांग्रेस भी अपनी ताकत झोंक रही है। इस सिलसिले में यहां प्रियंका गांधी और राहुल गांधी एक बार फिर दौरा करने वाले हैं। 3 नवंबर से नामांकन दाखिल करने की शुरुआत से पहले कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी मंगलवार को और राहुल गांधी बुधवार को तेलंगाना में प्रचार करेंगे। वे एक एक दिन के लिए अविभाजित महबूबनगर जिले को कवर करेंगे। प्रियंका गांधी आज मंगलवार को दोपहर 3 बजे देवरा कादरा विधानसभा क्षेत्र में पहुंचेंगी और चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगी। महाराष्ट्र में मराठा समुदाय को आरक्षण प्रदान करने की मांग के समर्थन में बीड जिले के अभी विभिन्न हिस्सों में आंदोलन की आग भड़क उठी है। इस सिलसिले में गेवराई विधानसभा क्षेत्र के विधायक लक्ष्मण पवार का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मराठा आरक्षण का मुद्दा वर्षों से लंबित है। विधानसभा अध्यक्ष राहुल नर्वेकर को पत्र भेजा गया है। इसमें कहा गया है कि मराठा कोटा मुद्दा कई वर्षों से लंबित है।
मैं मराठा समुदाय की मांग को अपना समर्थन देता हूं। इस मुद्दे का समर्थन करने के लिए मैं अपना इस्तीफा दे रहा हूं। भाजपा राज्य में शिवसेना के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ गठबंधन का हिस्सा है, जहां एनसीपी अजीत पवार गुट भी एक घटक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर आज मंगलवार को गुजरात में स्टेच्यू ऑफ यूनिटी पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय एकता के लिए लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिबद्धता आज भी सभी का मार्गदर्शन करती है और स्टेच्यू ऑफ यूनिटी एक भारत श्रेष्ठ भारत का प्रतीक है। 31 अक्टूबर यानी आज लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना समेत केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इसके साथ ही दिल्ली में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एकता की शपथ दिलाई। भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की आज ही की तारीख यानी 31 अक्टूबर 1984 को उनके अंगरक्षकों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस हत्याकांड के बाद से देश सन्न हो गया था। इंदिरा गांधी की हत्या से पहले और उसके बाद देश में बहुत कुछ घटा। उनको गोली मारने वाले सतवंत सिंह और बेअंत सिंह पर भी जवाबी फायरिंग की गई थी, जिसमें से बेअंत सिंह की मौत वहीं हो गई थी, जबकि सतवंत सिंह को इलाज के बाद बचा लिया गया था। इंदिरा गांधी को अपनी मौत का अंदाजा शायद पहले ही हो गया था, क्योंकि हत्या से एक दिन पहले यानी 30 अक्टूबर के दिन उन्होंने भुवनेश्वर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था, आज मैं जिंदा हूँ, शायद कल ना रहूँ, मुझे इस बात की परवाह नहीं है। मैंने एक लंबी जिंदगी जी है, मुझे इस बात का गर्व है कि मैंने अपनी जिंदगी लोगों की सेवा करते हुए बिताई है। मैं अपनी आखिरी सांस तक लोगों की सेवा करती रहूंगी और मेरे खून का एक एक कतरा भारत को मजबूत करेगा। इसके कुछ घंटे बाद खबर आती है कि इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई है। फिर से लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवाल, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलेटेड टू गुलबर्गा यूनिवर्सिटी गुलबर्गा। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2022-23। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482127। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवाल, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं ने आज पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर मंगलवार को उन्हें श्रद्धांजलि दी और देश के निर्माण में उनके योगदान को याद किया। कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और पार्टी के कई अन्य नेताओं ने शक्ति स्थल पहुंचकर इंदिरा गांधी की समाधि पर पुष्प अर्पित किए। नोएडा की एक हाउसिंग सोसाइटी की लिफ्ट में कुत्ता ले जाने को लेकर दो लोगों के बीच विवाद खड़ा हो गया। सोसाइटी के ही रहने वाले एक रिटायर्ड आईएएस ने महिला से कुत्ते को लिफ्ट में ले जाने से मना किया और बाहर निकलने को कहा। इस बात पर दोनों आपस में भिड़ गए। रिटायर्ड आईएएस ने जब इस घटना का वीडियो बनाने की कोशिश की तो गुस्साई महिला ने उनका मोबाइल छीनकर फेंक दिया, जिसके बाद दोनों के बीच जमकर हाथापाई हुई। लड़ाई झगड़े की ये पूरी घटना लिफ्ट में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। अब हाथापाई का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। यह घटना नोएडा के सेक्टर 108 की पार्क लॉरिएट सोसाइटी की है। आखिर में फिर से देखते हैं मुख्य समाचार। सीडब्ल्यूआरसी के निर्देश पर कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डी के शिवकुमार ने जताई असमर्थता, कहा तमिलनाडु को नहीं दे पाएंगे पानी। ग्रामीण विकास और पंचायत राज मंत्री प्रियंक खड़गे का दावा, बीजेपी ने कांग्रेस विधायकों को विशेष दिल्ली उड़ान का दिया आश्वासन। तेलंगाना के चुनावी रण में कांग्रेस ने झोंकी ताकत, प्रियंका गांधी की तेलंगाना में रैली। आज मराठा आरक्षण के समर्थन में भाजपा विधायक का इस्तीफा, हिंसा के बाद भीड़ में कर्फ्यू, इंटरनेट किया गया बैन। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एक भारत श्रेष्ठ भारत का प्रतीक सरदार पटेल के आज मंगलवार को जयंती के अवसर पर पीएम मोदी ने कही यह बात। भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की आज को पुण्यतिथि, आज ही के दिन उनके अंगरक्षकों ने गोली मार कर दी थी हत्या। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। देश और प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।